सो फाइनली कॉलेज ओपन हो रहे हैं, रेडी हो जाओ। जिन्ना जिन्ना दी एडमिशन हुई है एंड जिन्ना जिन्ना ने अगे लेनी है एडमिशन, वो भी रेडी हो जाओ भाई। बड़े टाइम बाद तो वीडियो बनाने लगे हैं, क्योंकि ना तो आते हैं कि जो स्टार्टिंग आती है ना, स्टार्टिंग च बड़े मन बदलते हैं, मन इधर उधर भटकता है, ये कर लिए ठीक है, वो करके थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एकदम मन कर लगता कि डेली ब्लॉग बनाओ, नहीं यार आर्ट वीडियो बनाओ, नहीं यार ब्लॉग भी ठीक है, ब्लॉग भी चलते हैं, नहीं यार कल्ली ट्रैवल वीडियो बनाने है ना, तो इधर का बहुत मन चलता रहता है, ठीक है इदा जा गया मन च ब्लॉग बनाना चाहिए। कम तो कर ही रहे हैं अपना, वो तो क्लीयर है, एक यूट्यूब वीडियो लैके मैं थोड़ा जि क्लीयर नहीं है, बाकी जो शुरुआत होंगी है ना, शुरुआत ये प्रॉब्लम्स आदि आदि हर एक आदि है ना, किसी भी काम की शुरुआत लगा लो, कल वीडियो के काम की किसी भी काम, कोई भी काम तुम स्टार्ट करते हो बहुत सारे मन बनते होंगे कि ये काम किया जाए या ना। तो हम मेरा मन बनाया डेली मैं चैलेंज देता, कोशिश करूँगा बनाने की, ठीक है। तो मैं हम अपना काम तक कर ही रहा हूँ, आर्ट वर्क तक कर ही रहा, वो पूरी मेहनत कर ही रहा, ये भी एक एक्सरसाइज स्टार्ट करो। मैं थोनों भी एडवाइस करना जेडे भी मतलब बैठे आ जहाँ बेरोजगार है यार, थोड़ा जहा टैलेंट लगना यूट्यूब जरूर स्टार्ट कर लो, ठीक है। कुछ नहीं होंगे, यूट्यूब स्टार्ट कर लो, फ्री का प्लेटफॉर्म, फ्री का एक मेहनत करनी है, फ्री का प्लेटफॉर्म है, मैं भी यही सोच रहा, फ्री का प्लेटफॉर्म है, इन्हें यूज़ कर, जितना मर्जी यूज़ कर, इन्हें यूज़ कर और पैसे कमा, ठीक है। एक किदा का है कि तुम अपना काम भी कर सकते हो, है ना, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इदा एक है कि तुम अपना काम भी कर सकते हो, जोड़ा तुम करना बस उस काम प्रजेंट करना है दुनिया अगे कि तुम कर कि रहे हो, कि कर रहे हो, है ना, लोग वधिया लगेगा, लोग देखेंगे थोड़े पैसे मिलने, होर की चाहिए। कोशिश मैं कर रहा वहाँ, देखो छड़ा नहीं, कोशिश कर रहा वहाँ, बस बने रहो, थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम, बहुत मज़ा आऊगा, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ट्रेन है ना बन रही है अजय, वनू जो ट्रैक पर खड़ी ना, फिर चलो अजय ट्रैक पर खड़ी नहीं, जब खड़ी फिर भजो, ठीक है। तो बस वही है कि ट्रेन अजय मॉडिफाई हो रही है, बन रही है, उन्होंने ट्रैक पर खड़ा है जोड़ के, है ना, तो इदा ही जुड़नी है। साड़ी रात की चाह जरूरी है, ये बिना नींद नहीं आती बरे, ठीक है। तो लोगों की नींद उड़ती है तो सानू भी पी के नींद आती है, एंड ये विलास सर है, ठीक है, इन्हें वर्कशॉप की सी मैं मनाली च, अमेजिंग आर्टिस्ट है, तो उत्थे एक कप मिलिया सी उन्होंने फोटो है, ठीक है। इतने उन्होंने इधरली साइड सिग्नेचर भी सी, बाल नहीं दिखा हमें, तो मिट गए साथ ही, चंगा भी, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम 9 बज गए, वैसे मैं 8 बजे तक उठाया, ठीक है, चाह भी दोबारा तो फिर पी लिया। देखो बाकी सारे अनेरा, ठीक है, इतना लाइट आ रही है मॉर्निंग सीधा सूरज सामने, तो हूँ आप उठते हैं, उठ के करते हैं थोड़ी बहुत सफाई करेंगे, फिर रोटी बनानी है, एंड फिर तो पहला शुरुआत बाबा जी अगे मत्था टेक के धूप पत्ती करके पहले नहा धो लो, फिर काम की शुरुआत अपने एक पूजा बना के कराया करो, है ना, हर कोई काम जो कि तुसी बाहर करते हो तो एक उन्हों एक जिदा आते कि आप गुरुद्वारे जो काम करते हैं तो पहले वो सफाई होंगी, फिर वो
अगे आप मत्था टेकते हैं तो उदा ही हूँ आप इदा ही करा उठा थोड़ी बहुत पहला इधर उधर सफाई करा जो भी रूम सैट करा सो इदा कि रूम थोड़ा खिलर खिलर है आप फिर सफाई करके फिर रोटियां भी लाइनिया जिदा ये कपड़े पे आ कंबल पे आ सैट करना तो मॉर्निंग की धुप्प है सीधी आँदी है वधिया चीज़ है ठीक है तो आप देखते हैं करते हैं सैट करते हैं पहला सफाई करते हैं ओके बाहर रहने ना पैसे है तो ठीक है नहीं तो कम खुद ही करने पड़ते सारे ठीक है पर ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस करना चाहिए फिर अपन जो घर पोचे लगे होंगे ना उन्हें वैल्यू पता लग जाती है कि किन्ना क दुख लगता जो कि दूसरा आके चल पा हूँ मैनू एक एक चीज़ की वैल्यू पता है ये रोटी जिदा की मिल गई घर बहुत वधिया बरे खा लो ठीक है तो जो कोई सफाई करता है ना तो गंद नहीं पाएगा क्योंकि झाड़ू लाना सफाई कुचे करने औखा काम है ये भी एक आर्ट है अपनी लाइफ ही एक आर्ट है ठीक है कोई इन किदा जी आता है कोई एब्सट्रैक्ट आर्ट करता है कोई बहुत रियलिस्टिक करता है ठीक है सारे आर्टिस्ट है बट उही है कि वधिया आर्ट उदा ही है जिहदे कोल पैसे है भाई रियल लाइफ च भी जिहदे कोल पैसा है ठीक है उहदा आर्ट वधिया है तो उहदा आर्टिस्ट कोल भी जिहदे कोल थोड़ा पैसा है फिर उहदा आर्ट वर्क जाके इंप्रूव हुंदा है होर क्योंकि एक तुसीं एक लैवल ते कम कर लैंदे हो ठीक है जिद्दां एक लैवल ते आके तुसीं बहुत मेहनत कीती है कम कर लिया है तो हुण तुहानूं हुंदी है मटीरियल दी जरूरत कि हुण तुहाडा मटीरियल नूं अपडेट करन दा टाइम आ गया है क्योंकि मटीरियल अपडेट नहीं होगा थोड़ा कम एक लैवल ते आके खड़ जाऊगा उत्थे हुंदी है ग्रोथ कि थोड़ा हुण मटीरियल चेंज करो ठीक है तो उत्थे फिर पैसा चाहिदा हुंदा है तो इस करके थोड़ा थोड़ा जिहड़े भी आर्टिस्ट बन जा रहे हैं जिन्हां कोल पैसे नहीं कि भाई पैसे जोड़दे रहो थोड़ा थोड़ा क्योंकि थोड़े आर्ट च बहुत कम आने आ उह बहुत ज़्यादा जरूरत पैनी है थोड़ा तो अपना बैकअप बना के रखो जां उदां दी कोई जॉब कर लो ना ना जिन्ना थोड़े पैसे आते रहन क्योंकि अगे वधन लई जरूरत है भाई बहुत है चलो हम सफाई करके मिलते हैं बहुत हो गए प्रवचन सो गाइस तुसीं देख सकते हो अपना फर्श वगैरह एकदम चमका दिता है तो आप देखो एक एक चीज सुबह सुबह साफ करती है एंड चलिए ये देखो जमा रूम साफ हो चुका है ठीक है जी हम आप होर लाइट आ गई तो इधर मेरा अजे पिया वा लाइक दिस तो हूँ आप जी देखे धूप बत्ती करांगे ठीक है जी धूप ना है ये फ्रैगनेंस है अल्टीमेट है यार पॉजिटिव वाइब्स आ चुकी ने आ तो पहले ही गई तो हूँ आप बस तैयारी करा खाने पीने की तैयारी करा ठीक है फिर आप कम अपना कम चलो मिलते हैं तो अपने
ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀ ਰਾਤ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੈਡੀ। ਰੋਟੀਆਂ ਹੁਣ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਹ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਘੱਟ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੀਟ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੇ, ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੀਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਔੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੋਰਨਰ ਤੋਂ ਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਔੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਦੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟਿਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਸ਼ੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੀਟ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਸ਼ੀਟ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ੀਟ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪੇਟੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ। ਗਾਈਸ ਆਪਣੀ ਸਟਿਲ ਲਾਈਫ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਡੈਮੋ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਓਬਜੈਕਟ ਪਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇ, ਸਾਫ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਡੈਮੋ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਹ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਪੀਣ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਣ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਉਣ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗਾਈਸ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਕਾਲਜ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਐਂਡ ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਐਂਡ ਜਿੰਨਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੂਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੂਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਊ ਬਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਵਲੋਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਛ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਸੱਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਘਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 26 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਰ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ